अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है लेकिन हवा बहुत तेज़ है। बच्चे हैं छोटे तो बाहर तो जा नहीं सकते, खिड़की के पास बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। मन्हा के बाल देखे ना ज़रा। जी सोने, बाल ठीक करो। अच्छा मन्ना, मुझे काउंटिंग सुना रही थी बेटा, काउंटिंग सुनाओगे मुझे फिर से? 1 2 मान चो। अल्लाह अकबर, फिनिश। जी तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मेरी डेली रूटीन होती है। नाश्ता करके, बच्चों को सेटल करके जो है फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज जो है ना, मैं बना रही हूँ साबुत मसर और साथ तड़के वाले चावल। और आज तो ये कोई बहुत स्पेशल डिश नहीं है, लेकिन यह कि मेरा कल से बहुत दिल कर रहा था मसर चावल खाने का। और मैं जो है अपने मामू की तरफ गई हुई थी और उनकी बिल्डिंग में कोई बना रहा था मसर और चावल, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। वो जो है ना, उसको स्मेल करके मेरा भी दिल किया कि मैं कल जो है ना मसर चावल ही बनाऊँगी। तो बस सुबह उठी, नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों को थोड़ा सा तो बच्चों को सेटल किया और फिर जो है मैं आ गई किचन में। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज शाम को मुझे जाना था हॉस्पिटल बच्चों को लेके, जो था वो फॉलोअप के लिए। तो क्योंकि सीज़न ही इस तरह का चल रहा है कि जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली और बच्चों को जो है ना ये फ्लू और कफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस इसी सिलसिले में हमने जाना था चेक करवाने। और लास्ट वीक ही लोग लेके आए थे मेडिसन्स, तो डॉक्टर ने कहा था कि 5 डेज़ बाद जो है वो आप चेक करवा दें। तो अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं दोनों, लेकिन ये है कि फॉलो अप जो है वो कभी मिस नहीं करना चाहिए, जो है ना इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि आपको मेडिसिन जो है वो दोबारा कंटिन्यू करनी है या नहीं। और यहाँ पे जो है अब साथ में चावल भी रखती हैं बनने के लिए। मुझे वैसे पर्सनली दाल के साथ जो है ना जौन सी भी दाल है सफ़ेद की बजाय जो तड़के वाले चावल है ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके लिए मैं प्याज को जो है ना इस तरह का ब्राउन कर लेती हूँ, उससे यह है कि चावल में बहुत अच्छा कलर आता है। और अब धोना शुरू हो गई हूँ बर्तन, नॉन स्टॉप बर्तन, और बहुत ही ज़्यादा बर्तन होते हैं। जब भी किचन में आओ और सिंक आपको वेलकम कर रहा होता है कि आई जी प्लीज़, मैं आपका वेट कर रहा था और बर्तन तो साथ ही चलते रहते हैं माशाल्लाह। तो कुकिंग करते हुए ये बहुत इजी लगता है कि आप साथ साथ कुकिंग कर लें, और साथ साथ जब आपका सिंक भी साफ़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे चावल जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, और बस फिर हम आएंगे तो खाना रेडी होगा। और आके मैं आपके साथ एक छोटी सी जो है वो टिप कह लें या रेसिपी कह लें शेयर करूँगी, जो कि बहुत अच्छी है कोल्ड फ्लू में बच्चों के लिए। और मैं यूजली इनकी लिए बना के रख देती हूँ, और जो है ना वो इनको सुबह और शाम दे देती हूँ। तो मैं सोचा कि आपके साथ भी जो है वो बात शेयर की जाए। आ जाए जी। तो हम हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर को चेक भी करवा लिया। अब हम वेट कर रहे थे कि इनके बाबा गाड़ी ले आए, क्योंकि बहुत हवा तेज़ चल रही थी। तो जो पार्टी है ना, वो थोड़ी सी दूर मिली थी हमें, और इतना इन्होंने उधम मचाया हुआ था हॉस्पिटल में, बच्चों को आई थिंक समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल है या पार्क है। और वो तो शुक्र है कि उतना हास रश नहीं था, और ये जिस तरह खड़े हैं शराफत से, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन। और जो इनकी डॉक्टर है वो इतनी स्वीट है कि जब भी ये जाती है ना, तो वो इनको जो है ना वो कैंडीज़ या ऐसे कोई भी खाने की चीज़ देती हैं, और ये बड़ा जनाब खुश होकर जाते हैं चेक करवाने। लेकिन आज मन्हा ने बहुत ज़िद की, क्योंकि मन्हा कह रही थी कि मुझे एक्सचेंज करना है, जो इब्राहिम का लॉलीपॉप है वो मुझे चाहिए। और इब्राहिम कह रहा था कि मैं एक्सचेंज क्यों करूँ, मन्हा के पास अपना है तो मन्हा वो ले, और ये मेरा है तो मैं लूँगा।
और बस इसी लड़ाई में जो है हमारा पूरा टाइम गुजरा। तो अब जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और अब जाके जो है मैं इनको डिनर करवाऊंगी और फिर जो है होपफुली सो जाएंगे, क्योंकि आज इन्होंने नैप भी नहीं लिया दोपहर में इतना, ये काफ़ी थके हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये आशा जल्दी सो जाए और जिस दिन दाल चावल बनते हैं उस दिन मुझे थोड़ी सी ये भी आसानी हो जाती है कि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इब्राहिम अभी भी जो है ना वो चिकन या वेजिटेबल्स का इतना फ़ैन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह दाल ऑलमोस्ट हर टाइप की ये खा लेता है चाहे जी। तो ये है वो रेसिपी या टिप जो भी आप कह लें, जो आज मैंने आपसे शेयर करनी थी। बेसिकली सिंपल, इसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है अदरक का पानी या जूस और दूसरा हनी, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप इसको ऑलमोस्ट हर सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू यानी कि नज़ला ज़ुकाम हमें हो जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। और अच्छी किस तरह है कि जो अदरक है इसके तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि ये एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी है यानी कि सोजिश ख़त्म करती है हमारे जिस्म से, ठीक है, प्लस जो हमारे जिस्म में, और उसके साथ जब हमारे जिस्म में रेशा हो जाता है नज़ले या ज़ुकाम की वजह से तो ये उसको भी पिघलाती है, और जो हमारे लंग्स हैं यानी कि जिसको हम फेफड़े कहते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है यानी कि खून की रवानी हमारे फेफड़ों में इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा करती है। तो मैं बच्चों के लिए जो है वो यूजली छोटे किसी भी कंटेनर में जो है वो इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ हनी में इसको मिक्स करके, और सुबह शाम, और एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम जो है मैं बच्चों को दे देती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है। मैं तो अपने बच्चों में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। और इसकी डोज का ये है कि शहद तो देखें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि शहद जो है वो आप 1 साल के बाद ही यूज़ करें बच्चों में, ठीक है, तो 1 साल के बाद ही आप दीजिए बच्चों को ये। मैंने भी कभी इब्राहिम या मन्हा को छोटी एज में तो ये नहीं दिया था, और आफ्टर 1 ईयर ही मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों में ये वाला फार्मूला। और जब जिस तरह मन्हा है, मन्हा माशाल्लाह 1.5 या ऑलमोस्ट 2 की है, तो मैं उसको जो छोटा टीस्पून है यानी कि 2.5 ml जिसमें मेडिसिन आती है, ठीक है, वो दे देती हूँ एक सुबह और एक शाम, और इब्राहिम को जो है वो 2 2 स्पून दे देती हूँ, मतलब 5 ml सुबह और 5 ml शाम। तो यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया है अदरक का, और ये ऑलमोस्ट मेरा था तकरीबन 2 चम्मच खाने के, ठीक है। और अच्छा, इसमें जब आपने हनी ऐड करना है तो वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इतना ऐड आपने नहीं करना कि बिल्कुल ही जो अदरक का जायका या खुशबू है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। बच्चों के लिए जब मैं बनाती हूँ तो आप इस तरह से कर लेंगे, जैसे एक हिस्सा अगर आपका अदरक का पानी है तो 4 या 5 हिस्से शहद के। उसके बाद भी ये है कि आप पहले खुद टेस्ट कर लें, क्योंकि अदरक जो है इसका थोड़ा सा तीखा सा कड़वा सा टेस्ट होता है, कड़वा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जैसे स्पाइसी सा टेस्ट नहीं होता उस तरह से होता है। तो अगर अदरक का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो बच्चे के गले में थोड़ी सी लगती है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा हनी इस्तेमाल करती हूँ ताकि बच्चे इसको ईजीली ले लें और कोई इशू ना हो। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से खा लेते हैं, और पहले मैंने उनको प्लेन हनी इंट्रोड्यूस करवाया था, जब इन्होंने हनी जो है वो इजीली लेना शुरू कर दिया तो फिर मैंने उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है अदरक का जूस डाल के इनको ये चीज़ भी ट्राई करवाई। और आप यकीन करें कि इंस्टेंट इससे रिलीफ मिलता है कफ का, इवन कि जब इनको जिन दिनों बहुत ज़्यादा कफ हो तो मैं ऐसे इसी कंटेनर में बना के साइड टेबल पर रख देती हूँ, और अगर रात को ये बहुत ज़्यादा कफ करें तो मैं इनको 1 स्पून दे देती हूँ, और बहुत अच्छा रहता है, और मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ, और आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें ना कोई लंप ना रहे, बिल्कुल ये सारा यकजान बोलते हैं ना, इसको उस तरह से हो जाए, और ये काफ़ी आपका रनी सा बनेगा,
क्योंकि अदरक का जो है वो बिल्कुल पानी सा होता है ना, तो आप जितना भी शहद ऐड करेंगे ना उसको पतला कर देगा, मतलब शहद की तरह थिक नहीं रहेगा ये, तो ये इस तरह रेडी हो जाएगा। और आप पहले खुद टेस्ट कर ले, उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसमें और हनी डालना है या नहीं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो अब ये रेडी है, इसको बाहर से क्लीन कर लेते हैं। अब आते हैं सेकंड टिप की तरफ, और जो सेकंड टिप है वो भी हनी के साथ ही है। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसकी भी कोई मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं रखती, मैं तकरीबन आधा चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है ठीक है, वो हाफ डाल देती हूँ मैं हल्दी का ठीक है। और उसमें तकरीबन 4 स्पून, यानी कि वही सेम चम्मच जैसे आपने हल्दी नापी थी हाफ, उसी उसी लेवल के 4 या 5 स्पून मैं डाल लेती हूँ हनी के ठीक है जी। और ये भी बहुत अच्छी है कोल्ड एंड फ्लू के साथ फाइट करने के लिए। प्लस ये क्या करती है, हल्दी हमें इंटरनली हील करती है, किसी किस्म की जो सोजिश है बॉडी में उसको ठीक करती है, और हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो बच्चे क्योंकि हल्दी का दूध नहीं पीते, और अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं वो हल्दी का दूध पी लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप सर्दियों में उनको वीक में एक दफ़ा हल्दी का दूध ज़रूर पिलाएं। और अगर बच्चे नहीं पीते, छोटा बच्चा है 1 साल का है या 2 साल का है, वो हल्दी का दूध नहीं पीता, तो आप उसको इस तरह से शहद में हल्दी मिक्स करके आप उसको खिला सकते हैं, और इसके भी वही सब फ़ायदे हैं, और ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये दोनों चीज़ें इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो आप इकट्ठा भी मिक्सचर कर सकते हैं कि जो है हल्दी में ही आप अदरक का पानी भी ऐड कर दें और हनी ऐड कर दें, लेकिन बच्चे क्योंकि टेस्ट के बारे में बहुत पिकी होते हैं इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली बनाती हूँ, ताकि इन केस अगर उनको जो है वो हल्दी वाला टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो अदरक वाला तो ले लें, ताकि कुछ ना कुछ तो उनकी बॉडी में जाए ना। तो इसको भी मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये जो है ना ये थिक ही रहेगा ठीक है, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी पाउडर है, तो ये बिल्कुल जैसे हमारा शहद होता है उस तरह से थिक रहेगा ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शहद और ऐड कर देती हूँ, और मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि नीचे शहद ना गिरे, लेकिन उसकी इतनी थिक सी स्ट्रीक्स थी ना कि वो थोड़ा सा जो है ना कैबिनेट पे गिर गया, उसको बाद क्लीन कर लेंगे मैं, कोई इशू नहीं है। और मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स ठीक है जी। और इसकी भी सेम यही क्वांटिटी है, अगर 1 से 1.5 साल का बच्चा है तो उसको एक छोटा चम्मच आप खिला सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में भी दे सकते हैं, और 2 साल से अबव है तो आप उसको 2 चम्मच खिला सकते हैं सुबह दोपहर शाम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ प्लेन हनी विद अ लिटल बिट ऑफ हल्दी, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि किस तरह का बना है। बच्चों को जब भी आप कोई चीज़ दें, घर का कोई चीज़ बना के दें, बाहर भी दें, तो हमेशा पहले टेस्ट कर लीजिए ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस मेरे रेडी हो गए हैं, आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी हो, और ट्रस्ट मी ये नुस्खा बहुत काम करता है, मैं तो अपने बच्चों को देती हूँ, और आई होप कि आप भी ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो हमारी मॉडल हैं मिस मनहा, इनके साथ आपको एक ट्रायल दे देते हैं कि देखें बच्चा इजीली ले लेता है, कोई इशू नहीं है। यम ठीक है जी, एक और स्पून दे देते हैं, क्योंकि मन्ना ने हाफ स्पून लिया था। टाडा ठीक है जी, देखिए मैंने खिला दिया बच्चे को। तो ये था आज छोटा सा मेरा व्लॉग आपके साथ, तो मेन इसका मकसद यही था कि मैं आपके साथ ये छोटी सी जो टिप है बच्चों की वो शेयर कर लूँ, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।